हिंदू थे, माफी चाहेंगे। थोड़ा अगर ज्यादा बोल जाएं तो मेरे मैनेजर कहते थे अच्छा करो मुंबई भेज देंगे, आपको गोली देते रहे। तुम बिहारी वर्जन ऑफ बसंती हो। जितनी बातुनी उतनी ही सुरीली। इंडियन आइडल जल्द सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। सर, पुणे पुलिस से इस केस के सारे पेपर्स मांगो। बलराज कॉल की मिसिंग रिपोर्ट से लेकर उनकी अब तक की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तक, स्वाति का सारे तक पहुंचने के लिए उन्होंने किस किस से बात की, उन्हें क्या क्या जवाब मिले, हर छोटी से बड़ी रिपोर्ट मुझे टेबल पर चाहिए। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि स्वाति का सारे नाम की कोई औरत है भी या नहीं, और अगर है तो फिर कहां है। प्लीज, मुझे ताड़े का फोन आया था तो लगा पर्सनली चलता हूं, आपको बताता हूं। थैंक यू। ये है स्वाति कसारे। ये फोटोग्राफ कहां मिली आपको? ये स्वाति के घर से मिली है। स्वाति का पुणे वाला घर? नहीं, पनवेल के पास में गांव है जहां उसका मैका है, वहीं से मिला। दरअसल बलराज कॉल की वाइफ रीना कॉल, उसी ने हमें बताया था। देखिए सर, मुझे स्वाति के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं है। जितना मालूम होना चाहिए उतना ही पता है कि वो मेरे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है और वो पनवेल के किसी पास के गांव से बिलोंग करती है। पूरा नाम उसका स्वाति कसारे है। पनवेल के पास कौन सा गांव? धौतनी, जिला पेड़। स्वाति कसारे किधर है? इधर नहीं हो। आप लोग अंदर आके बात करेंगे? साहब, एक साल पहले मेरी बेटी स्वाति की शादी कराई थी मैंने। उसके पति का नाम मकरंद सरोड़ है। क्या आप जानते हैं कि आपकी बेटी स्वाति का बलराज कॉल नाम के एक आदमी के साथ संबंध? जी। आपको इस बात के बारे में कब पता चला? जी, वो स्वाति के पति मकरंद ने बताया था। मारा लाज वाटती है गोष्टी से, लाज वाटती। तो सिर्फ ये बलराज कॉल ही शादीशुदा नहीं था, बल्कि स्वाति कसारे भी शादीशुदा है। हाँ, और उसका हस्बैंड है जिसका नाम मकरंद है, वो पुणे में ही रहता है और वहां एक सरकारी दफ्तर में पियून है। मकरंद सरोदे बहुत अच्छा आदमी है, स्वाति दाई के लिए बिल्कुल सही था, लेकिन वो बलराज कॉल उसको हमेशा दबा के रखता था। वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी उसके हाथों में। थक गई हूं मैं इस बलराज से, 6 साल से इस्तेमाल कर रहा है मेरा, अपनी बीवी को तलाक देने की बात तक नहीं छेड़ता। अमेरिका चल, ऐसी शादी कर लो मुझसे, तुम वो भी दे। ताई, अब तो तुम्हारी भी शादी हो गई है ना मकरंद भाव से, अब तो उस बलराज का पीछा छोड़ देना। वो नहीं छोड़ता ना मुझे, मैं जहां जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आता है। मैं माँ के घर पनवेल जाती हूँ, वहां तक भी चला आता है ये। मैंने उसे कहा अब मेरी शादी हो गई है, ये सब कितना गंदा लगता है, पर नहीं। उस दिन मैंने उसे कहा कि मैं कल से उससे नहीं मिलूंगी, तो क्यों नहीं मिलेगी कल से? वो तेरा 2% का टट्टू पति क्या देता है तुझे जो मैं नहीं देता हूं? प्यार देता है, मार के दूसरा गाल भी सुझा दूंगा तेरा। ये प्यार वर का नाम नहीं लेना मेरे सामने। ये घर दिया ना तेरे को, खर्चे के लिए इतने पैसे देता हूं, ऊपर से नौकरी भी है, तो ये सब प्यार नहीं तो और क्या है? गुलामी है ये मेरे लिए। देखो
अब सब ये वापस ले लो, मुझे मेरे पति के पास रहना है। तू खुद ही तो बोली कि तू उसके साथ खुश नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ, 6 सालों से आप मुझे नचाते आए हो। आपके लिए मैंने एक बार नहीं, 3-3 बार मुझे सब पता है। क्या पता है? हम बाहर दूसरी औरतों से भी मिलते हो। दूसरी औरत? तू है पागल? पहली वाली तो घर पे बैठी है मेरे नाम का लाइसेंस पहन के। तो उसी के साथ रह लो। मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपसे नहीं मिलने वाली हूँ, जॉब पर भी नहीं आने वाली हूँ, जिंदगी में आपका मुंह नहीं देखने वाली हूँ मैं। मेरे से एक भी दिन नहीं मिली ना तू, तो जिंदगी तेरा मुंह देखना बंद कर देगी। किसी को पता नहीं चलेगा तेरे टुकड़े करा के कहाँ कहाँ फेंकवा दूंगा मैं। समझी? बैठ 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 ना, बैठ ना। क्या स्पेशल बनाया आज मेरे लिए? अरे तूने बोला था खीर बनाऊंगी, बोला था ना तूने? बनाया खीर? दोनों साथ में मिलके खाएंगे। बुरी तरह से फंसी थी मेरी स्वाति थी, और स्वाति का पति मकरन, उसे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था? था, बिल्कुल एतराज था। तो क्या फिर भी वो उसके साथ रह रहा था? नहीं, वो उसके साथ नहीं रहता था। मुझसे काय को पूछ रहे साहब की स्वाति कहाँ है? जाकर पूछो ना उस बलराज कॉल से। बलराज कॉल गायब है, और उसको ढूंढते ढूंढते हमें तुम्हारी पत्नी स्वाति का नाम मिला, और फिर ये पता चला कि वो शादीशुदा है, इसलिए तुम तक पहुंचे। देखो साहब, वो बलराज कॉल जिए मरे, मिले या ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ना ही मेरा स्वाति से कोई लेना देना है। उसके साथ मेरी शादी सिर्फ एक धोखा था जो उसके माँ बाप ने और उसके मामा ने मिलकर मुझे दिया है। हमारे जिया जी बहुत ही सीधे आदमी है। ये अम्मा जी, भांजी, स्वाति बेटा। अब पुणे में नौकरी करती है, अब ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है पर बहुत मेहनती है। तुम पुणे में कहाँ सर्विस करती हो? कॉल केटरिंग सर्विस नाम की एक कंपनी है, मैं वहाँ सर्विस करती हूँ। मैं सरकारी जॉब में हूँ पुणे में। क्या शादी के बाद भी तुम जॉब जारी रखोगी? हाँ, मैं शादी के बाद भी ये सर्विस करना चाहती हूँ। बेटा, शादी के बाद भी अगर ये काम करेगी तो घर कौन संभालेगा? मुझे चलेगा भाई, मुझे पसंद है। हमारे मकरन को लड़की पसंद है। अब बेटा स्वाति, तुझे भी मकरन पसंद है ना? जैसे आई बाबा की मर्जी। स्वाति के माँ बाप को उसके और बलराज के अफेयर के बारे में मालूम था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन स्वाति को तो बताना चाहिए ना। वो कुछ नहीं बोली, एकदम चुप रही, और हो गई हमारी शादी। और शादी के बाद भी स्वाति उस बलराज से बार बार मिलती रही। पहले सब कुछ मेरे पीठ पीछे हो रहा था, फिर एकदम खुलेआम होने लगा। और तुमने कुछ कहा नहीं? आप लोगों ने भी कुछ नहीं कहा? पहले पहल तो प्यार में था साहेब, पर मेरे आई बाबा भी बोलते तो क्या बोलते। वैसे भी उसका मेरी आई के साथ 36 का आंकड़ा था। साहेब, हमारे लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी उस लड़की ने। क्या कुछ नहीं किया साहेब उसके लिए? उसकी मेरी आई से जमती नहीं थी, इसलिए उसके लिए अलग से किराए पे खोली ली। मेरी औकात नहीं थी इतनी, भाड़ा बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी सोचा हो सकता है इसी बहाने सुधर जाए। पर नहीं साहेब, वो नहीं सुधरी। स्वाति, दारोगढ़, दारोगढ़ स्वाति। क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मेरे बॉस आए हैं, घर पे काम कर रहे हैं हम। दिख रहा है मुझे क्या काम चल रहा है यहाँ? क्या है ये? आपको अच्छा लगेगा अगर आपके घर में आपकी पत्नी के साथ कोई ऐसे बैठेगा तो? देख बे, सॉरी,
मैं अपनी पत्नी तेरी तेरी पत्नी और चार और लोगों की पत्नियों को खुश रख सकता हूं, समझा? जैसे तू ये क्या लेके आया, दिखा 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 दिखा, क्या है? गजरा और जलेबी। गजरा और जलेबी लेके आया औरत को खुश करने के लिए बेटा? अरे औरत लोग गजरा और जलेबी से खुश नहीं होती है भाई, उनके लिए रोकड़ा और रुबाब चाहिए, समझा? जो मेरे पास है, तेरे पास इस जन्म में नहीं हो सकता। इससे ज्यादा हीरो मत बन, जलेबी खाओ, ठंडा पानी पी, दिमाग ठंडा रहेगा उससे। मैं तेरे को बाद में फोन करता हूं। ये सब कुछ हमारी शादी से पहले से चल रहा था ना? शादी से पहले रिश्ता था, पर अब कुछ नहीं है। रिश्ता था तो मुझसे शादी क्यों की? उस दिन के बाद मैं उस घर में कभी वापस नहीं गया, यहाँ गया मेरे आई बाबा के पास। और स्वाति वहीं रह रही थी? हाँ साहब, बलराज ने वो घर खरीद लिया, वो स्वाति को वहां रखता था। अच्छा, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि स्वाति और बलराज इस वक्त कहाँ हो सकते हैं? नर्क में होंगे साहब, पाप का घड़ा भर गया था दोनों का। हमें शक है कि स्वाति ने बलराज को मरवाया होगा, क्या ऐसा हो सकता है? साहब, जहां संबंधी नाजायज हो वहां हर नाजायज चीज जायज ही लगती है। वो बलराज कॉल स्वाति का पीछा नहीं छोड़ रहा था, लेकिन स्वाति का उस पर कोई हक नहीं था क्योंकि वो ठहरा शादीशुदा आदमी। बलराज की वाइफ ने बताया हमें कि बलराज और स्वाति के बीच क्या रिश्ता था। वो औरत भी बहुत शाणी है साहब, उसको पता था कि बलराज स्वाति को रखा है सिर्फ मजे मारने के लिए। तो स्वाति ने बलराज को मारा होगा? स्वाति ने बलराज को मारा या मरवाया होगा, या बलराज ने स्वाति को खलास किया होगा, या हो सकता है साहब बलराज की बीवी ने दोनों को मरवाया हो। सब दिल जले हैं साहब, कुछ भी हो सकता है। वैसे दिल जले तो तुम भी हो। बिल्कुल हूँ साहब, मैंने भी मरवाया हो सकता है, लेकिन अगर मुझे ये सब करना होता साहब तो बहुत पहले कर चुका होता, इतने दिन काय को तड़पाता अपने आप को साहब। हमने स्वाति और बलराज को बहुत ढूंढा पर इन दोनों का कोई पता नहीं चला। पर हाँ, इन्हें ढूंढते ढूंढते हम स्वाति के मामा तक पहुंच गए जिन्होंने मकरंद और स्वाति का रिश्ता तय करवाया था। क्या बोलूं साहब, इस लड़की ने तो एकदम नाक कटा दी। मेरे जीजा, उसके बाबा, वो तो चाहते ही नहीं थे कि वो पूना जाए, पर मैंने अपनी गारंटी पर उसको भेजा। मैंने ताई से बोला कि ताई, अपनी स्वाति कम पढ़ी लिखी है लेकिन मेहनती बहुत है, पूना जाकर नौकरी करेगी तो घर में दो पैसे आएंगे, सबका भला होगा। पर इस लड़की ने तो बलराज कॉल के साथ मुंह काला करके सब सत्यानाश कर दिया। कोई भी किसी को भी मार सकता है, सब एक दूसरे से परेशान थे। स्वाति का सारे बलराज कॉल को खत्म करने का जिम्मा अपने दूर के भाई टैक्सी ड्राइवर कुणाल मोहिते को देती है। कुणाल मोहिते इसमें अपने एक कॉलेज स्टूडेंट दोस्त नागेश की मदद लेता है। नागेश इसमें अपने एक हॉस्पिटल वार्ड बॉय दोस्त संजय को इन्वॉल्व करता है। संजय अपने एक दोस्त शेखर को इसमें फंसाता है। शेखर का एक दोस्त प्रसाद हमारे गुड लक से बाई चांस हमारे सामने मुंह खोल देता है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे फंसते हैं। मुझे लग रहा है कि हमें उलझाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सोच कुछ रहे हैं और बात दरअसल कुछ और? यही हुआ था साहब, और कुछ नहीं हुआ था। मेरा यकीन कीजिए आप, स्वाति ताई ने बोला कॉल को खलास करना है, मैंने दोस्तों को जमा किया और कर डाला काम। दो शहरों की पुलिस के सामने एक लव स्टोरी थी जो हेट स्टोरी में तब्दील हो गई थी। इस कहानी की वास्तविकता सिर्फ एक आरोपी कुणाल मोहिते के बयान पर टिकी हुई थी, जो ये कह रहा था कि उसने स्वाति कसारे के कहने पर बलराज कॉल का कत्ल किया था। लेकिन इस कहानी को सही साबित करने के लिए स्वाति मौजूद नहीं थी, वो गायब थी। दूसरी तरफ बलराज कॉल की फैमिली ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि दरअसल गायब कौन हुआ है, स्वाति कसारे या बलराज कॉल, और मर्डर किसका हुआ है? ये अभी मुंबई से वापस आए हैं कार्बन डेटिंग के बाद, और ये साबित हुआ है कि ये हड्डियों के अवशेष 3 हफ्ते से ज्यादा पुराने नहीं है, लेकिन ये साबित नहीं हो पाया कि ये मेल के हैं या फीमेल के। ये मेल के हैं या फीमेल के, ये साबित करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या? डीएनए टेस्टिंग के द्वारा ये साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इस व्यक्ति के ब्लड रिलेटिव्स का पता लगाना पड़ेगा। आप इनके ब्लड रिलेटिव्स को बुलाइए।
कहाँ जा रही हो? कोल्हापुर, वहाँ की पुलिस का फोन आया था डीएनए टेस्टिंग करने। बेटा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ बैठे इंतजार करने से अच्छा वहाँ जाके कुछ खबर ही मिल जाए। ये डीएनए तपस क्या होता है? पता नहीं, वहां जाके ही पता चलेगा ना। आपको लगता है कि स्वाति ने बलराज को? पता नहीं, लेकिन कुणाल को तो अंदर किया है ना। सर, जावेद मिर्जा लौटा है और आते ही उसने पुणे पुलिस को फोन किया है। वो खुद लौटा है और पुणे पुलिस को फोन भी उसने खुद ही किया है? हाँ सर, और ऐसा तो पीएसएलवी के साथ है। जावेद, तुम्हारा दोस्त बलराज कॉल कहाँ है? मुझे क्या पता साहब, मैं तो खुद दोस्त के बाद घर पे लौटा हूँ। तो प्रेम ने बताया कि बलराज गायब है और आप लोग यहाँ पर आए थे। कैसे जानते हो उसे? तो काफी पुराने दोस्त हैं हम। आखिरी बार कब मिले थे? यही कोई दो हफ्ते पहले, अब मेरे हैदराबाद जाने से ठीक एक दिन पहले। यानी कि बलराज कॉल के गायब होने से एक दिन पहले। कहाँ मिले थे? बस एक लास्ट क्वार्टर और उसके बाद घर चलते। अच्छा, तेरे तो दो दो घर है, कौन से घर जाएगा? ऐसे मेरे और भी घर हो सकते हैं। पता है। व्हाट है अपना दोस्त, एक क्वार्टर और। नहीं यार बलराज, अब एक बूंद और नहीं। मुझे ना कल सुबह हैदराबाद जाना है। तू बैठ, मैं चलता हूँ यार। बस क्या भाई, यही दोस्ती। और भाई, भाभी बच्चे सब फिट? बस यार कट रही है। तेरा घर? कौन सा वाला घर भाई, कौन सा वाला घर? अरे बलराज संभाल गए, पर सुन संभल जा यार, टेंशन नहीं जाता। चल चल, मैं चलता। अरे ये तो मेरा बटुआ है, ये कहाँ मिला आपको? ये हमें नहीं मिला, कोल्हापुर पुलिस को मिला है। उनकी हिरासत में एक आदमी है जो ये कहता है कि उसे ये वॉलेट बलराज कॉल की गाड़ी से मिला। ये उस रात गाड़ी में गिर गया होगा साहब, पर मुझे लगा किसी ने मेरी पॉकेट मार ली। पहले तुम ये बताओ कि तुम दो हफ्ते हैदराबाद में रहे, क्या कर रहे थे? एक बहुत बड़ी पार्टी की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, मैं उसी डील के सिलसिले में हैदराबाद गया था। स्वाति कसारे को कितनी अच्छी तरह जानते? ठीक ठीक, वो बलराज का ऑफिस संभालते थे। और उसका दूसरा घर भी है ना? वो उसका निजी मामला है सर। अच्छा, ये कुणाल मोहते, इसका नाम सुना है? कौन कुणाल मोहते? मैंने तो इसका नाम पहले कभी भी नहीं सुना। तुम दो हफ्ते हैदराबाद में रहे लेकिन तुम्हारा फोन एक बार भी नहीं लगा, क्यों? सर मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम था, और वैसे भी बहुत कम कॉल थे जो आ जा रहे थे। सर अब तो मुझे बता दीजिए कि बलराज को हुआ क्या है। वक्त आने पर सब बताएंगे, और शायद तुम ही हमें बताओ कि बलराज कॉल के साथ क्या हुआ है। मुझे इस पर डाउट है हेमा, एक काम करो तुम इसके सेलफोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और इसके सेलफोन के लोकेशंस भी, और कोल्हापुर पुलिस को भेज दो। ओके सर। वाकई बहुत कम कॉल्स आ जा रहे थे जावेद के फोन, और जो है वो किसी काम के। सर पुणे पुलिस ने जावेद का बैकग्राउंड चेक किया, इसका कोई लफड़ा नहीं था। मतलब जावेद अब शक के दायरे से बाहर है। सर इस वक्त कुणाल मोहिते के कबूल नामे के अलावा वाकई में हमारे पास कुछ नहीं। अगर ये खून का गलत इल्जाम अपने सर पर ले रहा है तो क्यों? ए कुणाल, अभी क्या होगा रे हम सब? मुझे नहीं पता, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया बस।
ताड़े, हमने कितने केसेस में देखा है कि लोग लाश को अक्सर इसलिए जला देते हैं ताकि उसकी शिनाख्त ना हो, और अगर काम को सही ढंग से अंजाम दिया जाए तो अस्थियां तक नजर नहीं आती। वो तो बाद में पता चलता है कि जिसको हम विक्टिम समझ रहे थे दरअसल खूनी वही। सर, कुणाल का कहना है कि उसने ये सब कुछ स्वाति के लिए किया, स्वाति के कहने पर किया था, लेकिन अभी तक स्वाति का भी कोई पता नहीं। बस एक बार डीएनए टेस्ट हो जाए फिर देखना, सब कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा। काली साहब, स्वाति का सारे किधर है? कोई आइडिया नहीं मेरे को भी। अरे पकिया, तो किस काम का खबर है? एक विकेट भी नहीं ली तूने अब तक, इतना आउट ऑफ फॉर्म कब से होने लग गया? बस क्या साहब, उतना भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं है मैं, एक खास खबर है बिल्कुल आपके लिए, बिल्कुल गुगली बॉल है। और तो बोल ना, क्या है? साहब, बलराज के ऑफिस में एक लड़का है जगन, वो स्वाति का बड़ा खास है, वो स्वाति को मुंबई लेकर गया था। मुंबई क्यों? दोनों का लफड़ा चल रहा था क्या? ये नहीं पता साहब, लेकिन दोनों बलराज की गाड़ी का पीछा करते हुए गए थे, जगन और स्वाति, और ये खबर पक्की है साहब। सब मैंने कुछ नहीं किया साहब। किया तो हमने भी कुछ नहीं अभी तक, और तूने अभी से रोना शुरू कर दिया। बैठ। अरे बस बस बस, तो तू मुंबई ले गया था स्वाति को, साहब का पीछा कर रहा था साहब। वो स्वाति बलराज साहब से पक चुकी थी ना, दोनों के बीच हर रोज झिकझिक होती थी। झिकझिक? किस बात की झिकझिक होती थी? वो बलराज साहब का दूसरी औरतों के साथ अफेयर चल रहा था ना, तो उसको लेकर झिकझिक होती थी। अच्छा, तुझे रिपोर्ट देते थे कि क्या कांड किया, किसके साथ किया? नहीं साहब, वो स्वाति मेरे को ये सब बोलती थी। क्या, तेरा कोई चक्कर था उसके साथ? नहीं नहीं साहब, वो उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था, और हम दोनों एक ही ऑफिस में इतने साल से काम करते हैं, तभी वो दिल हल्का करती थी मेरे पास। साहब, वो सच में बलराज साहब से रिश्ता खत्म करना चाहती थी, लेकिन वो उसको छोड़ते ही नहीं थे। जगन, मुझसे और रहा नहीं जाता, कैसे भी करके उसका एक अफेयर पकड़ लूँ ना, तो उनसे सारा रिश्ता तोड़ दूंगी, एक बार रंगे हाथों पकड़ लूँ ना उनको। बलराज साहब कल सुबह को मुंबई जा रहे हैं, फोन पर बात कर रहे, लगता है उस साइड कोई लेडीज थी। जगन, मुझे भी मुंबई जाना है। लेडीज का? वो थोड़ी ना तुझे साथ में लेके जाएंगे। उनके साथ नहीं, मैं तेरे साथ चली जाऊंगी। क्या? तुझे आती है ना कार चलानी? मेंटल हो गई क्या? अभी तक तो नहीं, पर हो जाऊंगी। उनसे छुटकारा नहीं मिला तो फुल मेंटल हो जाऊंगी मैं। जगन, तू मेरी मदद करेगा ना? वहां इंतजार करते रहे, स्वाति अंदर जाना चाहती थी, मुझे डर लग रहा था, उतने भी देखा कि बलराज साहब थोड़ी देर में बाहर निकले, होटल में बुकिंग अमाउंट देकर आ रहे थे। हम लोग पूरा दिन उनका पीछा करते रहे, लेकिन किधर भी कोई भी लेडीज वाला चक्कर हाथ नहीं लगा। बस इतना ही हुआ था साहब, इसके बाद जो भी हुआ बलराज साहब का या स्वाति का, आई शपथ मला काहीच माहित नाही साहब, विश्वास ठेवा माझ्यावर। ये केस दो शहरों की पुलिस को एक जबरदस्त भंवर में घुमा रहा था। हाँ, कुछ शक के बुलबुले शांत हो रहे थे, जैसे कि जावेद मिर्जा वाला एंगल। ये महज एक इत्तफाक था कि जावेद उस रात बलराज कौल के साथ था जिस रात बलराज गायब हुआ था, लेकिन ये केस भी तो एक इत्तफाक से ही शुरू हुआ था, जब कोल्हापुर पुलिस के हाथ शेखर और प्रसाद अचानक लग गए थे। लेकिन पुलिस के हाथ अब भी बहुत कुछ लगना बाकी था, कथित कातिल लॉकअप में थे लेकिन कत्ल अभी साबित नहीं हुआ था। पुलिस को बेसब्री से डीएनए रिपोर्ट का इंतजार था, या फिर एक और इत्तफाक का जो इस केस को अपने अंजाम तक ले जाता। याना काय झाला? हाँ सर,
क्या ये आदमी पक्का मर चुका था? हाँ साहब, आदमी तो यही था, मगर इन लोगों ने बताया कि ये बेहोश हो गया है। मुझे भी कोई लफड़े वाली बात नहीं लगी और उस दिन मैं जल्दी में था, इसलिए मैं चला गया था। तो फिर आप क्यों आ गए ये सब बताने के लिए यहाँ पे? आप 3-4 बार आए थे मोहल्ले में पूछने के लिए, मोहल्ले वालों ने मुझे बताया तो मुझे भी ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए। हाँ साहब, मैंने मारा था साहब, उसको मारा था साहब मैंने। आप कितनी बार पूछोगे साहब? स्वाति तैने पहले बोला उसे धमकाना है, लेकिन मैं अकेला कैसे धमकाता साहब? फिर उन तीनों को मैंने साथ में लिया, वो राजी हो गए। अचानक से स्वाति ताई का प्लान बदल गया। उसने बोला उसे धमकाना नहीं है, उसे हमेशा के लिए दूर करना है। मतलब तेरे दोस्त सही कह रहे थे कि उन्हें नहीं मालूम था कि मर्डर करना है? सच में उन्हें नहीं मालूम था साहब, सिर्फ मुझे मालूम था और स्वाति ताई को। उसी ने सब प्लान बनाया था, उसने पहले से पूरी सेटिंग करके रखी थी। पर ताई, ऐसा कैसा हो सकता? तुझे मेरी कसम कुनाल, हर कुछ सोचना मत। ताई, किसी की जान लेना इतना आसान नहीं है। शीरापुरी है क्या? शीरापुरी वही खिलाऊंगी मैं उसे, नीम की गोली के साथ। फिर मैं वहां से चली जाऊंगी, फिर तुम अंदर आना और उसे हमेशा के लिए सुला देना। क्या बात है शीरापुरी, अरे वाह, बड़ा प्यार आ रहा है मेरे पे। मेरे हाथ की बनी ये आखिरी शीरापुरी है आपके लिए, इसके बाद आप मेरा पीछा छोड़ दोगे। पीछा तू मेरा करती है? मुंबई तक आई उस जगन के साथ, बहुत जासूस बन के रेडन पकड़ना चाहती थी ना मुझे। क्या लगा तेरे हाथ, क्या लगा? सही कहा आपने, मेरे हाथ आज तक कुछ लगा ही नहीं। सारा प्यार, सारी इज्जत, सारा सब कुछ आपकी पत्नी और आपके बच्चों को ही मिला। 6 साल से ऐश किया आपने मेरे बदन से, मेरी खुद की शादी बर्बाद हो गई। 3-3 बार बच्चा गिराने के बाद अब तो मैं माँ भी नहीं बन सकती, जिंदा लाश बन गई हूं। और कितना नोच खाओगे? जब तक तू खिलाती है मैं खाता जाऊंगा। तू जहां जाना चाहती है जा, पर लौट के तू मेरे पास जाएगी। तू मेरी शराब है और मेरा नशा तेरे ऊपर से कभी नहीं उतरेगा। जल्द उतरेगा, जिंदगी भर के उतरेगा। स्वाति कहाँ चली गई है कुनाल? पता नहीं साहब, बस वो इतना बोली थी कि वो एक ऐसी जगह जाकर छुपेगी जहां उस तक कोई नहीं पहुंच सकता, कभी नहीं पहुंच सकता। बरलाज की लाश को पचगणी ले जाकर उसे जलाने का आइडिया उसी ने दिया था। वो चाहती थी कि बलराज की लाश कभी ना मिले और वो कहीं दूर चली जाए। स्वाति कहाँ चली गई थी? वो ऐसी कौन सी जगह जाकर छुप गई थी जहां उसे कोई ढूंढ नहीं पाता? पुलिस अब कुनाल के कबूल नामे को लगभग सच मानकर चल रही थी। अब ये मानकर चला जा रहा था कि स्वाति ने ही उस आदमी को मरवाया था जिससे वो कभी प्यार करती थी। लेकिन क्या स्वाति को अपनी जिंदगी से भी बेरुखी हो गई थी? क्या वो भी वहीं पहुंच गई थी जहां वो बलराज कौल को पहुंचाना चाहती थी? सतपाड़ी तालुका में मोहिन नाम का एक गाँव है। खबरी मानिया कह रहा है कि स्वाति की बचपन की सहेली वहां भी आई है। स्वाति अक्सर उससे मिलने जाती है और इस वक्त पूरे चांसेस हैं कि स्वाति हमें वहां मिले।
अकेला बोलवा जरा। कौन स्वाति? यहाँ कोई स्वाति नहीं रहती। अरे उसको बोलो कुणाल ने संदेशा भेजा है, जल्दी से बात करनी है, दरवाजा खोलो। संदेशा भेजे स्वाति के लिए? मूव। बलराज ने मुझे नौकरी दी, काम सिखाया, हिम्मत दी, तो मेरे लिए वो जैसे भगवान था। और जब उसने प्यार की बात की, मुझे लगा मेरी जिंदगी बन गई। उसने मुझे वादा किया था कि वो रीना को तलाक देगा, दिल के साथ साथ समाज में भी मुझे जगह देगा। और उसने सिर्फ एक खिलौने की तरह मेरा इस्तेमाल किया, हर खिलौने की तरह। मैं भी टूट गई, पर कुछ खिलौने टूटकर खतरनाक बन जाते, हथियार बन जाते, जो मैं भी बन गई। कुणाल ने आपको जो भी कुछ बताया है वो सब सच है, पर एक सच और भी है, जो दर्द बलराज ने मुझे दिया वही दर्द मैंने अपने पति मकरन को भी दिया है। चलिए। तेरा मामा तुझे पुनः लेके गया तो मैं उसके खिलाफ था, लेकिन वहां जाकर तू अच्छा कमाने लगी तो मेरा सीना चौड़ा हो गया। मैं गर्व महसूस कर रहा था बेटा, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, आगे भी तू और बहुत कुछ कर सकती थी। इतने अच्छे लड़के के साथ शादी हो गई थी तुम्हारी, तो फिर उस जैसे आदमी से क्यों रिश्ता रखा स्वाति? तुमने कभी भी नहीं सोचा कि वो गलत है? सोचा, बहुत सोचा, पर मुझे कभी कुछ गलत लगा ही नहीं। काश गलत लगता तो आज हम ऐसे नहीं मिलते, और ना ही कुणाल और उन लड़कों की जिंदगी बर्बाद होती। मम्मा, जब पापा इतने बुरे पति थे तो आपने इतना सब क्यों सहा?
बेटा मैं अपने पति को छोड़कर तुम बच्चों के पिता को नहीं छुड़वाना चाहती थी। लेकिन माँ पापा खुलेआम स्वाति और न जाने कितनी और लड़कियों के साथ में अफेयर रखते थे, सब कुछ मालूम होते हुए भी आपको अपने ऊपर शर्म नहीं आई? बेटा जब उन्हें नहीं आती थी तो फिर मुझे क्यों आनी चाहिए? और फिर मुझे उनसे ज्यादा तुम तीनों की चिंता थी। अगर उन्हें छोड़ देती तो कैसे बड़ा करती तुम्हें, कैसे पालती तुम तीनों को? सर रंगे हाथों पकड़ा इसे, एक औरत की चैन खींच के भाग रहा था, उसी गैंग का लड़का लगता है जैसे हम ढूंढने निकले थे। अच्छा है तब नहीं पकड़ा गया, वरना इतना बड़ा केस हमारे हाथ कैसे लगता? सर अब इसका क्या करें? बातें करते आराम से, धीरे धीरे, ढेर सारी बातें करते, पता नहीं इसके मुंह से क्या निकल जाए जिससे छले गड़े मुर्दे उखड़ाए। अरे पानी वानी पिलाओ इसे। की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है जो यह साबित करेगी कि पुलिस को मिली अस्थियां वाकई बलराज कौल की हैं। स्वाति की गिरफ्तारी और कबूलनामे के बाद पुलिस के पास काफी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं जो यह साबित करते हैं कि बलराज कौल को वाकई जान से मारकर चला दिया गया था। लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही स्वाति, कुणाल, नागेश, संजय और शेखर के खिलाफ एक ठोस केस बनेगा। यह केस जितना एक नफरत भरी प्रेम कहानी का था उतना ही लालच भरी जवानी का भी। इस केस में चार ऐसे युवाओं पर सजाए मौत का मुकदमा चलेगा जिनका पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस तो इन चारों को पकड़ने निकली नहीं थी, वो तो एक चेन खींचने वाले गिरोह का पीछा कर रहे थे। एक पुलिस वाले को इन चारों में से दो लड़के अचानक हाथ लगे जब वो सब्जी मंडी में एक भेल वाले को परेशान कर रहे थे, उसे झूठी धमकियां दे रहे थे। चेन स्नैचिंग के चार्ज से बचने के लिए हिरासत में लिए गए एक लड़के ने इस केस का राज खोल दिया। इस केस से सबको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है और वो है बार बार दोहराई गई कहावत कि क्राइम से कभी किसी का फायदा नहीं होता, क्राइम नेवर पेज। क्रिमिनल जितनी भी चालाकी कर ले, पुलिस को चकमा दे दे, कानून को चकमा दे दे, वकीलों की दलीलों का कवच पहन ले, लेकिन हर छुपा हुआ अपराधी अच्छी तरह से जानता है कि उसकी नींद, उसका चैनो अमन कानून के पास गिरवी है, उसके सर पर लटकती तलवार है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और सनसनीखेज केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।